हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनुजा मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017। देखिए, हमने इससे पहले जो वीडियो करी थी वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में पढ़ा था, कुछ 23-24 मिनट की जो वीडियो थी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। उसके बाद 1949 एक्ट जो था, उसके बाद ये एक्ट में कुछ चेंजेस लाए गए, जो कब लाए गए, 2017 के अंदर। तो इसको एक्ट का नाम द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 कर दिया गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक, द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017। द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 सीक्स टू अमेंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 टू इंसर्ट प्रोविजन फॉर हैंडलिंग केसेज रिलेटेड टू स्ट्रेस एसेट्स। देखो, द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 1917 सीक्स टू अमेंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कि इसको बनाया गया किस लिए, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कई सारे प्रोविजंस थे उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए, उसमें चेंज लाने के लिए, टू इंसर्ट प्रोविजंस फॉर हैंडलिंग केसेस रिलेटेड टू स्ट्रेस एक्ट। देखो, स्ट्रेस एसेट्स वो एसेट्स होती है जो हमने किसी बोरोवर को पैसा दिया था, क्रेडिट प्रोवाइड किया था, अब वो उस पैसे को दे नहीं पा रहा है, उसमें डिफॉल्ट क्रिएट कर रहा है, तो स्ट्रेस एसेट्स को कैसे हैंडल किया जाए, इससे रिलेटेड प्रोविजंस को इस एक्ट के अंदर डाला गया, इसलिए इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया 2017 में। स्ट्रेस एसेट्स आर लोन्स वेयर द बोरोअर हैज़ डिफॉल्टेड इन रिपेमेंट और वेयर द लोन्स हैज़ बीन रीस्ट्रक्चर्ड सच एज बाय चेंजिंग द रिपेमेंट शेड्यूल। देखो, स्ट्रेस एसेट्स वो लोन हैं जो बोरोअर उसको पे करने में डिफॉल्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो लोन को रीस्ट्रक्चर किया गया है किस लिए, उसकी जो रीपेमेंट शेड्यूल को है उसको चेंज कर दिया गया है। द एक्ट एम्पावर्स द आरबीआई को एम्पावर करता है ये एक्ट टू रिजोल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस एसेट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एम्पावर करता है ये आरबीआई को। इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 आर एज फॉलोज। इसके इम्पॉर्टेंट प्रोविजन में देखो, मेन प्रोविजन ये है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को अमेंडमेंट क्यों किया गया 2017 के अंदर, अमेंडमेंट इसलिए किया गया क्योंकि इसमें स्ट्रेस्ड एसेट्स से रिलेटेड प्रोविजन को और ऐड करना था, उसको ऐड करने के लिए हमने इसके अमेंडमेंट एक्ट को 2017 में पास किया, क्योंकि स्ट्रेस्ड एसेट वो एसेट्स होती हैं जो, देखो, जो डिफॉल्टर मतलब जो भी लोन प्रोवाइड किया बोरोवर ने उसको पे करने में डिफ़ॉल्ट पे किया, तो उस लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया गया, उसकी जो शेड्यूल था उसको पेमेंट का उसको चेंज कर दिया गया। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इस एक्ट के अंदर, 2017 वाले जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट है उसको अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं इंपॉर्टेंट वो देखिए। इनिशिएटिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, जो इंसॉल्वेंट हो जाता है उसको जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है उसको इनिशिएट करना। इट अलाउज द आरबीआई टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑन स्पेसिफिक स्ट्रेस्ड एसेट्स। ही भाई इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस लगा दे जो भी स्ट्रेस्ड एसेट है उनके ऊपर। दिस प्रोसीडिंग वुड बी अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड 2016। ये जो प्रोसीडिंग लगाई जाएगी वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी कोड 2016 के अंडर लगाई जाएगी। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग हमने इनिशिएट कर देनी थी कि भाई ये वाले लोन के ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग लग गई है, यानी कि इंसॉल्वेंट हो सकता है इसका जो बोरोअर है। इशूइंग डायरेक्शंस ऑन स्ट्रेस्ड एसेट, जो भी एसेट स्ट्रेस्ड हो रही हैं यानी कि जिन लोन को फुलफिल नहीं किया जा रहा है उनके ऊपर डायरेक्शन लगा दो भाई, उसके ऊपर प्रॉपर देखभाल करें उसके ऊपर। द आरबीआई में इशू डायरेक्शंस टू बैंक फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट, भाई उस स्ट्रेस एसेट को किस तरीके से रेजोल्यूट किया जाए उसके ऊपर डायरेक्शन लगा देनी है। कमिटी टू एडवाइस बैंक्स, एक कमेटी बना दी गई है वो बैंक को एडवाइस प्रोवाइड करेगी। द आरबीआई में स्पेसिफाई अथॉरिटीज और कमेटीज टू एडवाइस बैंक्स ऑन रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। आरबीआई ने स्पेशल अथॉरिटी बनाई है, कमेटी बनाई है जो बैंक्स को एडवाइस प्रोवाइड
एडवाइस देगी कि किस तरीके से स्ट्रेस्ड एसेट्स को आप रेजोल्यूट कर सकते हो, उसे पैसा किस तरीके से वापस मंगवा सकते हो। द मेंबर ऑन सच कमेटी विल बी अपॉइंटेड और अप्रूव्ड बाय आरबीआई, और इस कमेटी के जो मेंबर हैं वो आरबीआई के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे और अप्रूव किए जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एप्लीकेबिलिटी देखो, द बिल इंसर्ट्स ए प्रोविजंस टू स्टेट दैट इट विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो बिल इंसर्ट होता है इस प्रोविज़न के अंदर, वो ये स्टेट करता है कि ये जो एक्ट है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, उसकी सब्सिडरी पे भी और रीजनल रूरल बैंक्स पर भी एप्लीकेबल होता है। अमेंडमेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2017, सॉरी, ये आरबीआई उसकी सब्सिडरी बैंक्स के ऊपर और रूरल बैंक पर भी एप्लीकेबल होता है। तो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो में हमने पढ़ा कि बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 क्या है, क्यों किया गया, मोस्ट ऑफ तो ये स्ट्रेस्ड एसेट्स को लाने के लिए, वो किस तरीके से उसको हम वापस ला सकते हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स, उसको कम करने के लिए बनाया गया था, प्रोविज़न डालने थे हमें इस एक्ट के अंदर, इसलिए इसको बनाया गया, चेंज किया गया, इसके अंदर अमेंडमेंट किए गए। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो। अगर स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद करोचा मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।